हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको टोरेंट फार्मा के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि अब आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज़ इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज़ ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, टोरेंट फार्मा के जो नतीजे आए हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो अच्छे निकल कर आए हैं। ये देखिए आप, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में आपको यहाँ पर 18% का ग्रोथ देखने को मिला है और इसका प्रॉफिट अभी हो गया है 297 करोड़ का। देखिए, आपको पता होना चाहिए पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर इसका प्रॉफिट था 251 करोड़ का, और जबकि इस बार वो हो गया है 297 करोड़ का। तो देखिए, परसेंटेज वाइज ये 18% बढ़ गया है और 46 करोड़ का ग्रोथ आपको इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। अब ये देखिए, इसका जो रेवेन्यू है वो जबकि सिर्फ 1.4% ही बढ़ा है और वो हो गया है 1995 करोड़। देखिए, पिछले साल यही 1966 करोड़ था, जबकि मतलब इस साल 29 करोड़ की ग्रोथ आपको इसकी रेवेन्यू में देखने को मिली है। तो देखिए, अगर कंपनी के सेल्स के बारे में बात की जाए तो वो इतनी बढ़िया ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। अब उसका रीज़न यही है कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के जो परसेंटेज है उसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ है, इसीलिए आपको प्रॉफिटेबिलिटी में इतनी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। अब देखिए, अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि इसने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है 20 रुपये पर शेयर का। तो अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो आपको 200 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 20 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। अब ये देखिए, सेक्टर का पी 42 का है और इसका 45.44 का है। तो देखिए, मेरे ख्याल से सेक्टर के मुकाबले इस ये थोड़ा सा महंगा भी है, और मेन बात ये कि सेक्टर के जो रिजल्ट्स हैं, जबकि आप देखेंगे सन फार्मा के, सिप्ला के, इनके नतीजे बहुत बढ़िया निकल कर आए थे, तो देखा जाए तो वो कंपनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है एज कम्पेयर टू टोरेंट फार्मा। अब ये देखिए आप, इसका सेक्टर का प्राइस टू बुक सिर्फ 5.09 का है, जबकि ये आपको 9.65 के प्राइस टू बुक रेशियो पर मिल रहा है। देखिए, ऑलमोस्ट ये आपको डबल रेशियो पे मिल रहा है अगर प्राइस टू बुक से कंपेयर किया जाए तो देखिए, इसकी बुक वैल्यू के मुकाबले ये अभी बहुत महंगा हो गया है। अभी डिविडेंड अगर देखेंगे तो इसका डिविडेंड सेक्टर के मुकाबले डबल है, और अगर फार्मा कंपनीज की बात की जाए तो अपने फार्मा कंपनीज के अंदर ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा, मतलब टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग डिविडेंड कंपनीज के अंदर ही आती है। तो ये देखिए, 1.16% का डिविडेंड है। तो देखिए, डिविडेंड के बेसिस पर ये कंपनी कंज्यूस नहीं है, एक अच्छा डिविडेंड देती है, और मेन बात ये कि 2800-2900 का शेयर है, तो पर शेयर पे 1.16 यानी साल का 30-35 रुपये ये पर शेयर का आपको डिविडेंड देती है। अब ये देखिए, 46,570 करोड़ की मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये देखिए आप, इसके जो रेवेन्यूज है उसमें हर साल एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन आप 18 और 19 में देखिए, 18 और 19 में 2 साल इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो कम हो गई थी। और ये देखिए, 1020 करोड़ का मुनाफा इसने पिछले साल कमाया था, लेकिन देखिए इस बार भी ये मुनाफा कमा रही है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फंडामेंटली ये शेयर अभी थोड़ा सा महंगा मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, मैं सेक्टर्स के मुकाबले आपको बोल रहा हूँ, अगर आप देखेंगे सन फार्मा, सिप्ला, तो उनके नतीजे भी एकदम बढ़िया निकल कर आए और वो फंडामेंटली इतने भागे हुए भी नहीं है। तो फंडामेंटल्स के हिसाब से टोरेंट फार्मा थोड़ा सा भागा हुआ जरूर है। ये देखिए, 2757 का ये है, 3031 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई है, मतलब ऑल टाइम हाई से ये आपको अगर अभी देखा जाए तो ये लगभग आपको 150 रुपये या 160 रुपये के लगभग ये डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब इन परसेंटेज वाइज 5% ये अभी डिस्काउंट पे है। लेकिन मेरे ख्याल से टोरेंट फार्मा जो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो एकदम बढ़िया कंपनी, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि क्या करना है।
देखिए, अगर आपने इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मतलब अगर आपने सपोज 2022-23 कितने में भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपको इसमें बने रहना है, आपको इसको नहीं बेचना है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कंपनी एकदम बढ़िया है। अब अगर आपने सपोज इस शेयर को 3,000 रुपये के रेटों पर ले रखा है, 2,800 रुपये के रेटों पर ले रखा है, तो आपको क्या स्ट्रेटेजी क्या बनानी है, ये जितना गिरता है तो आपको डिप डिप में खरीदते रहना है और अपने एवरेज कॉस्ट को कम करना है। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, लेकिन अभी जो इसका प्राइस 6 महीने बाद होना चाहिए था वो अभी हो गया है। बात ये, रीजन यही है। अब देखिए, और अगला जो तीसरी बात है, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, आपने अभी तक इसमें कोई खरीदारी नहीं करी है, अब आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको इसमें कम से कम 2,500 रुपये का वेट करना चाहिए। मेरे ख्याल से 2,500 रुपये की प्राइस यहाँ पर एकदम बेहतर प्राइस होगी इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। उससे पहले मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने को नहीं बोलूँगा टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के अंदर। अब देखिए, मेन बात यह है कि 2,500 रुपये पे क्या है कि ये सेक्टर के मुकाबले आपको मिलेगा, मतलब सेक्टर के मुकाबले आपको महंगे रेटों पर नहीं मिलेगा। मतलब सन फार्मा, सिप्ला, वो अपने प्राइस टू जी सर्निंग पे चल रहे ना, उसके मुकाबले आपको मिलेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से मैं अगर इसमें इन्वेस्ट करूंगा तो 2,500 से पहले पैसा नहीं डालूंगा। देखिए, अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा हो, अगर कुछ ट्रेंड वगैरह लग रहा हो, अगर आपको लग रहा हो इसमें अच्छा खासा ग्रोथ है तो ये प्राइस भी आपको चलेगा, तो आप पैसा डाल सकते हो, वो आपकी खुद की एनालिसिस करके। बाकी मैंने आपको इसका पूरा डेटा मैंने आपको बता दिया है, अब आपको क्या करना है वो आपको खुद को देखना है। और अगर आप एक बार इसमें इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले लें, फिर ही अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बनाएं। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के Q3 रिजल्ट्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा, और अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको रोज़ ये सारी अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।